हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस पांच मिनट अभी नासा ने रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है मिशन आई एक्स पी ई जिसकी वजह से हम ब्लैक होल या सुपरनोवा को बहुत और आसानी से पढ़ पाएंगे यूजिंग द टेक्नोलॉजी पोलारीमेट्री तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है चलते बढ़ते आगे और सीधा जानते हैं मिशन के बारे में कि मिशन क्या है इस मिशन को लॉन्च किया है नासा ने और इटालियन स्पेस एजेंसी जिसमें वो कम से कम बारह बाकी पार्टनर्स का हेल्प करेगा हेल्प लेगा इस मिशन के अंदर एक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा दैट अर्थ से 600 किलोमीटर दूर इस सैटेलाइट के ऊपर कम से कम थ्री आइडेंटिकल टेलीस्कोप होंगे और कुछ आपके मिरर्स होंगे जिसकी वजह से इनकमिंग एक्स एक्सरे को स्टडी किया जाएगा कि वो किस एंगल पे आ रहे हैं ये मिशन दो साल के लिए कम से कम एग्जिस्ट करेगा और इस दो साल में कम से कम फोर्टी ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा सवाल ये बनता है कि ये करेगा कैसे नाउट दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ पोलारीमेट्री पोलारीट्री को पढ़ना हो तो इट्स एज सिंपल पोलिमेट्री इज अ स्टडी ऑफ पोलराइज लाइट कि पोलराइज लाइट जिस एंगल पे आ रही है उस एंगल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कितने दूर से हमारा ऑब्जेक्ट आया है ऑब्जेक्ट किस तरीके का है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है अब चल पहले ये जानते हैं पोलराइज लाइट क्या होती है ओके ना पूरा इस लाइट इज लाइट इज मेड अपोटोन ना फोटोन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से जब वो प्रोपेगेट करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं एक डायरेक्शन में जैसे ये आपके वाई प्लेन में कर रहे हैं बट इससे वाई प्लेन में नहीं करते आपके इसके कॉम्पोनेंट क्या करते हैं आपके जेड प्लेन में भी वाइब्रेट करते हैं और कुछ कॉम्पोनेंट आपके एक्स प्लेन में भी वाइब्रेट करते हैं मतलब किसी भी लाइट के वैक्टर कॉम्पोनेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसको कहते हैं नेचुरली लाइट लाइट क्योंकि नेचुरल होती है However, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट इंट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है लाइट के बाकी वेक्टर कॉम्पोनेट क्या होते हैं कट जाते हैं और सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट बच जाता है जैसे इसमें ये वाला रह गया हो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे सिर्फ एक ही वैक्टर कॉम्पोनेंट बचा है इसे कहते हैं अनपोलराइज लाइट अब अगर यहां पे कोई हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख दें जो कि इस अपकमिंग पोलराइज लाइट को मेजर करे तो इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम ये पता कर सकते हैं कि ये लाइट जहां से आ रही है मतलब कितने डिस्टेंस से आ रही है तो पता चल जाएगा कि यह ऑब्जेक्ट कितनी दूर है यह पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्या है किससे बना है क्यों ये लाइट पोलराइज हो गई है इसका मतलब यूनिवर्स में वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो इसको पोलराइज कर पा रहे हैं हम उनको पढ़ पाएंगे इसी फिनोमिना पे ये काम करती है कि लाइट को पोलराइज यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स ने किया है लेकिन हमारा जो मटेरियल है उस पोलराइज लाइट को पढ़ पा रहा है तो यूनिवर्स के बारे में जान पा रहा है यह था पोलारीमेट्री अब आते हैं इसके फायदा क्या होंगे एक्सरे यहाँ पे पोलराइज एक्सरे यूज की जा रही है और एक्सरे आपके हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स या आपके इवेंट्स में जनरेट होती है जैसे ब्लैक होल हो गया सुपरनोवा हो गया न्यूट्रॉन स्टार हो गए तो हम उन सबको पढ़ पाएंगे साथ में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एक्सरे टेक्नोलॉजी है ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जैसे आपका चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप उसमें भी ये काफी हेल्प करेगा ओवरऑल नॉट दिस कुछ और पेंडिंग सवाल हैं जिसका ये जवाब देगा जैसे हाउ डू ब्लैक होल स्पिन या फिर ब्लैक होल क्या अपने सराउंडिंग मटेरियल को फीड करते हैं क्या खा जाते हैं अगर ऐसा होगा तो एक्सरे जनरेट होगी साथ में पल्सर्स इतना शाइन क्यों करते हैं ब्राइटली या फिर सुपर ब्लैक होल से आपके काफी सारे जेट ऑफ पार्टिकल इजेक्ट होते हैं तो उसके लिए पावर कहाँ से आती है

100 students crack IAS with our current affairs classes.